Hello friends, welcome back and thank you for tuning in once again to our channel. You're watching Counting Kilometers. If this is your first time here, we invite you to join our journey called Travel Life. You can do that by simply clicking the subscribe button and the bell icon so that you don't miss out on any of our future videos. And to keep in touch with us in real time, you can follow us on Facebook and Instagram. The handles are flashing right down here. मेरे पीछे जो नज़ारे हैं उनके बारे में अभी कुछ भी मत पूछिए, बिकॉज दिस पैंगोंग लेक डिजर्व्स अ ग्रेट व्यू और ग्रेट टाइम आपकी तरफ से भी. तो पिछला वाला जो व्लॉग है पैंगोंग के लिए स्पेशली बना हुआ, वो जाके देखिए. आज इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बस ये बैकड्रॉप एंजॉय करिए अभी के लिए, बिकॉज राइट नाउ वी आर लिविंग फ्रॉम हियर टूवर्ड्स हनले. और हनले का राइड अभी 240 किलोमीटर्स का है, जैसा मैंने ऑलरेडी कहा है. And it's already 11 o'clock. We are still here because Pangong से पैर निकल नहीं रहे. Breakfast हो चुका है, that is only plus point. By the way, this is 16th day of this ride Ladakh 2019, as I already told you. And Priyanka का ये fifth day. Leh में दो दिन, Nubra में दो दिन और Pangong कल. अभी आज हनले जाने वाले हैं. So this ride is becoming extreme and extreme with each and every passing day, and each and every episode is promising to give you more and more thrill. So डोंट लीव अस हियर, सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए, हर एक एपिसोड देखिए, स्टार्ट से पूरा सीरीज देखिए और इससे आगे भी देखते रहिए. लेट्स गो. सो गाइस, वी हैव टेकन ऑफ फ्रॉम पैंगोंग. मतलब पैंगोंग इतनी जल्दी अपना साथ नहीं छोड़ेगा. स्पैंगमिक विलेज में जहाँ पे रुके थे वहाँ से निकले हैं. तकरीबन 20-25 किलोमीटर तक ऐसे ही लेक के साइड से चलते रहेंगे, उसके बाद लेक जाएगा चाइना में. हम नहीं जा सकते. एनीवेज, टाइम चेक, इट इज 11:15 ऑन 23rd ऑफ सितंबर 2019 टुडे. ये ऐसे ऑफ रोड आ गए तो बात कर ही नहीं सकते बीच में. चलो, व्हेन आई सेड विल बी रनिंग पैरेलल टू पैंगोंग फॉर 20-25 किलोमीटर्स, मुझे भी खुद को नहीं पता था कि इतना पैरेलल होगा. वी आर ऑलमोस्ट राइडिंग इन द लेक. सही है. सच बात बोलूं तो स्पैंगमिक तक आके पैंगोंग देख के वापस जाने वालों को ये सब देखने ही नहीं मिलता. क्या ब्यूटीफुल राइड है ये. अनदर ब्रेक डाउन हियर. अभी गौरव के हिमालयन का रेयर ब्रेक फेल हो गया है. अभी इस पॉइंट पे तो कुछ भी कर नहीं सकते. तो दोस्त, थ्री बाइक्स, टू हिमालयंस एंड वन आरी, लाइक गौरव, मंगेश, समीर और केतकी, गौरव की पिलियन, चार लोग अभी रिटर्न जा रहे हैं. मे बी दुर्भुक में अगर उनको 50 किलोमीटर्स पीछे जाके कुछ मिला, मैकेनिक और काम हुआ, तो ठीक, दे कैन डायरेक्टली कम बैक एंड जॉइन अस एट चुशुल. अदरवाइज फिर उनको ले जाने से दूसरा ऑप्शन नहीं बचता फिर. वेल, सम हार्श कॉल्स. अभी प्रकाश सर, योगेश, मैं और प्रियंका, हम लोग निकले हैं आगे टूवर्ड्स हनले. निकलते ही हार्डली 5-10 किलोमीटर में ब्रेकडाउन हुआ है. 12 बज चुके हैं एंड वी आर स्टिल एट ऑलमोस्ट वी एट स्पैंगमिक ओनली. हनले पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे वो भी पता नहीं है. 240 किलोमीटर एंड इफ इट इज लाइक दीज रोड्स, इम्पॉसिबल हो जाएगा. आज होलसेल में ऑफ रोडिंग चल रही है.
इसको ऑफ रोडिंग बोलना गलत होगा, दिस शुड बी कॉल्ड एज नो रोडिंग. This is one of the worst off-roads with the best views. That's the only way I can describe this ride. अभी तक मेरक तक भी पहुंचा नहीं है, but कितनी बार रुके फोटोज लेने के लिए, कितनी बार we are just having fun here. पिछले डेढ़ घंटे में जो पैंगोंग लेक देखा है ना, जो आज इस ब्लॉग में आपने देखा है, आई डेयर टू से अगर आप स्पैंगमिक से आगे नहीं आए हो ना यहाँ तक, तो भले आप 10 बार यहाँ तक आके गए हो लेकिन आपने पैंगोंग देखा नहीं है. जो टूर ऑपरेटर्स आपको दिखाते हैं, जो आपको वो कैंपसाइट तक ले आके वापस ले जाते हैं ना, वो आपको पैंगोंग दिखाते ही नहीं है. वो तो एक छोटा सा तालाब है कोई, पैंगोंग तो वहाँ से आगे है. पिछली बार मैं भी आया था ना स्पैंगमिक से रिटर्न गया था, आई यूज़ टू से कि मैं पैंगोंग देख के आया हूँ, लेकिन आज पता चल रहा है कि मैंने पैंगोंग देखा ही नहीं था. मैं तो एक बार आया हूँ, प्रकाश सर आई थिंक 5-6 बार आ चुके हैं, लेकिन उनका भी यहाँ पे पहली बार है. एंड दिस इज़ द सेम थिंग दैट ही इज़ सेइंग कि पैंगोंग आज पहली बार देखा है. दैट्स रियली एन आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग टुडे. पिछले डेढ़ घंटे में सिर्फ 22 किलोमीटर्स आए, इतना गंदा ऑफ रोड है, लेकिन फिर भी All the three of us, all the four of us, I would say, are totally satisfied. सिर्फ प्रियंका थोड़ी सी ठंडी से बेहाल हो गई है. पीछे बैठ के उसको करने के लिए कुछ नहीं है ना. अभी ये चाय ब्रेक, मेरक विलेज में है हम. चुशुली जाना था 20 किलोमीटर टू गो, और फिर वहाँ से हानले कितना दूर होगा पता नहीं. चलो एक चाय और थोड़ी सी गपशप, 15-20 मिनट का छोटा सा ब्रेक, एंड वी आर बैक ऑन ट्रेल. ज्यादा से ज्यादा ट्रेल ही बोल सकते हैं उसको. या भाई, एंड पैंगोंग इज स्टिल विथ अस. क्या बात है, यहाँ पे आके कैंपिंग करने जैसा मजा और कोई हो ही नहीं सकता. वी मिस दिस. वापस आने की वजह नंबर आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा. वजह नंबर पिछले व्लॉग में भी पूछा था मैंने. कमेंट 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 जल्दी से. Another 5-6 kilometers after Merak, मतलब स्पैगमिक से 25-26 किलोमीटर के बाद, आई थिंक दिस इज फाइनली टाइम टू से गुड बाई टू पैंगोंग, बिकॉज आई कैन सी द लेक इज एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स दैट साइड एंड आवर ट्रेल इज गोइंग हियर, जहाँ सामने इतनी सारी बर्फ है. हाँ, ठंड होने वाली है हमले में भी. हाँ.
एक और अलग लैंडस्केप अब चालू हो गया। बस ढूंढो रास्ता। क्या बात है, आज की राइड का हर एक मिनट हमेशा के लिए याद रहने वाला है। ऑलमोस्ट 3 आवर्स ऑफ राइडिंग और हमने कवर किया है 40 किलोमीटर। ओह लुक एट द प्लेट्यू देयर, वाओ। रुको थोड़ा आगे जाके दिखाता हूँ। इट सीम्स वी आर गेटिंग सम टारमैक नाउ। 200 मीटर के लिए टारमैक रोड पे चलाया गाड़ी और फिर बैक टू खर खर गुड़ 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 गुड़। But look at this plateau, यार, this is so beautiful. Oh, finally I can see Chushul village there. Must be another 5-6 kilometers at least. Finally, after more than 3 hours of riding and 48 kilometers of off-roading, we have reached Chushul. अभी और कुछ नहीं करना है, सबसे पहले कुछ तो खाने के लिए ढूंढना है एंड देन वील डिस्कस द फर्दर प्लान्स। यहाँ चुशुल में हमें फैंस मिल गए, देखो। बाय द वे चुशुल ये मोनास्ट्री के साथ ही ये वाला शॉप है, यहाँ पे पेट्रोल मिल जाता है। देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर पेट्रोल हियर। इसके आगे फिर हानले तक पेट्रोल का चांसेस बहुत कम है, सो यहाँ से जितना मिले पेट्रोल ले लो। बाय। चलो, सो नाउ वी आर टेकिंग द रूट एज प्लान्ड। हम लोग अब जाएंगे ऐसी 3 जगहों पे जो लद्दाख आने वाले 100 में से 95 पीपल करते नहीं है, उन्हें पता भी नहीं होता। हम अब करेंगे मिरपाल सो, याये सो और उसके साथ हम गुजरेंगे काकसांगला से। काकसांगला विच इज टेक्निकली इवन हायर देन खारदुंगला बट इट इज डिस्प्यूटेड ऑफ कोर्स। चुशुल गांव से बाहर निकलते ही चेक पोस्ट था आर्मी का, सब परमिट्स चेक हो गए, आईडी प्रूफ चेक हो गया एंड नाउ वी आर ऑन अ वे। परमिट्स इज नॉट अ टीडियस प्रोसेस, हर जगह पे कोऑपरेटिव है सब लोग, बस आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए। काकसांगला वी आर कमिंग, चैलेंज नंबर 7 और 8। आई काउंट ही भूल गया मैं, इतने सारे चैलेंजेस कंप्लीट किए इस राइड में। आई जस्ट लव द वे BRO builds the routes. Now see this. पूरा एक ग्रेडियंट स्लोप है, उसमें कट करके रास्ता बनाया हुआ है। ये लोग अगर यहाँ पे रास्ते बना के मेंटेन कर सकते हैं तो अपने यहाँ पे PWD वाले प्लेन्स में रास्ते बना के मेंटेन नहीं कर सकते, क्या बोलेंगे यार। We are so lucky here. रिसेंटली पूरा टारमैक हुआ है काकसांगला का पूरा रूट, सिर्फ वो चेक पोस्ट से 5 किलोमीटर तक का काम बाकी था, अभी काम चल रहा था बीच में और उसके आगे ये बना हुआ है। मजा आएगा, होपफुली विल कवर अ लॉट ऑफ टाइम नाउ। गाइज गाटा लूप्स को भूल जाओ,
21 hairpin bends of Gata Loop are for the ordinary people. अभी तक कम से कम 35 या 36 हेयरपिन बेंड्स हो गए और अभी मुझे ऊपर कम से कम और 20 दिख रहे हैं. सो काक्सांगला इज द न्यू प्लेस इफ यू वांट टू एंजॉय हेयरपिन बेंड्स. ऑफबीट प्लेसेस में घुसने का यही फायदा होता है. And we are in the snow line already. See, fresh snow over here. After around 10 kilometers, there's again this kacha road. Lekin bahut maza aa raha hai. Ek to dhoop chaav ka khel chal raha hai. Thand badh rahi hai because we are gaining altitude rapidly. It's all the way zigzag hairpin bends aur snowfall hui hai recently. This is thrill. I'm really excited to reach the top. Yes, one more. Are ye gaya. Here we go. We'll get the first view of Nirpal Lake now. There it is. It's also known as Mirpal So, of course. In Ladakhi language, So means lake. And it's beautiful, isn't it? Just wow. Amazing. Just have a look at it. Beautiful lake. बहुत सही है. It's deep down in the valley और ऊपर से उसका जो view मिलता है मजा आ गया. Anyways, now we have moved ahead. Next is Kaksangla top. A series of 34 hairpin bends. उसके बाद छोटा सा गैप देने के बाद फिर एक सीरीज ऑफ अराउंड 13 टू 14 हेयरपिन बेंड्स. उसके बीच में एक जगह पे काम चल रहा था तो जो उन्होंने स्किप रूट दिया था वहाँ पे प्रकाश सर की एवेंजर चढ़ नहीं पाई 150 सीसी, तो धक्का मार के चढ़ाना पड़ा. और ये सब करने के बाद नाउ वी आर रीचिंग द Kaksangla top. Finally, the top of Kaksangla. So guys, another challenge in this ride completed successfully. This is the top of Kaksangla. अभी ये board develop किया हुआ नहीं है तो exact height इसकी पता नहीं चलेगी. But by the time this vlog is published, I'll be back in Mumbai. तो Google पे search करके किसी reliable article में से इसका information निकाल के ये board की जगह पे चिपका दूंगा मैं. पढ़ लेना. फ्रेश स्नो में खेलने का मजा लिया जा रहा है यहाँ पे. गिरी कौन जाएगा? वन थिंग फॉर श्योर, यहाँ पे ज्यादा देर रुकना पॉसिबल नहीं है. आई एम ऑलरेडी पैंटिंग फॉर ब्रेथ.
And another thing that I can show you, that on the other side of this pass, there's a lot more snow. Look at this, look at that. Pangong wale area mein jitna snow tha, Nubra mein jo tha, usse bahut zyada snowfall yaha pe hua hai. So, the ride towards Manali is going to be full of snow. भाई पता नहीं क्या होगा. Next destination is another unknown, unheard, unexplored lake on this route, which is called as Yayetso. Let's go. ये कोई और एक पास के टॉप पे आ गए हम लोग. पता नहीं कौन सा टॉप है बट हियर यू गो. दिस इज याये लेक, याये सो. वाह, जस्ट वाव, लुक एट इट. आई मीन अमेजिंग. So guys, this was the last destination for today's ride. Yayetso, another beautiful, small, but untouched lake in Ladakh. This entire route has been fantastic. Mirpalso, Kaksangla and Yayetso. Now, we will soon reach Mahe. Now we have planned to stay for tonight either at Mahe or at Nyoma, which is another 22 kilometers ahead. Let's see, Mahe pahunchne ke baad call lenge. Kal subah utke Hanle jayenge. We could have reached Hanle agar Chushul se Rezangla wala route le lete, jo sab log karte hai. Lekin आपको ये सब दिखाना था जो कोई नहीं करता. बिकॉज एज ऑलवेज वी कीप सेइंग, काउंटिंग किलोमीटर्स पे आपको वही देखने मिलेगा जो दुनिया नहीं दिखाती. एंड वी आर स्टैंडिंग बाय अ प्रॉमिस वंस अगेन.